वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके पतले कमजोरी बालों को लंबे और घने हेल्दी बनाने का सिंपल घरेलू तरीका बताने वाली हूँ। ये हेयर केयर रेमेडी ये आपके बालों का ग्रोथ को बढ़ाने के साथ ही साथ आपके बालों को हेल्दी सिल्की स्मूथी शाइनी बना देती है। अगर आपको हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोगों के लिए ये रेमेडी काफ़ी इफेक्टिव है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पे बेल आइकन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं। तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए। इस रेमेडी के लिए आप एक बाउल में एक चम्मच आंवला पाउडर और हाफ चम्मच नीम लीफ पाउडर, दो इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करना है। इसके बाद इसमें ऐड करना है आधा कप दही, एक टेबलस्पून विटामिन ई ऑयल ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल नहीं है तो आप आलमंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करना चाहिए, ये इससे आपके बालों का ग्रोथ बढ़ेगा, आपके बाल हेल्दी और स्ट्रांग हो जाएंगे। ये रेमेडी आपके बालों पतले कमजोरी बालों को घने बना देते हैं। अगर आपके बालों की रीग्रोथ प्रॉब्लम है, आंवला पाउडर से आपके बाल हेल्दी तरीके से ग्रो होने लगेंगे, आपके बाल थिक और हेल्दी होगा। ये ऑल हेयर टाइप के लिए सूटेबल है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसको एज ए ट्रीटमेंट की तरह हफ्ते में दो बार जरूर यूज़ कीजिए। इससे बालों में अंदर बैक्टीरिया भी रिड्यूस होगा, आपका स्कैल्प क्लीन रहेगा, डैंडरफ भी रहेगा, इचिंग इरिटेशन का प्रॉब्लम्स भी दूर होंगे और इससे आपके बाल हेल्दी तरीके से ग्रो होने लगेंगे। इसको शैम्पू करने के आधे घंटे के पहले पूरे बालों में लगा लीजिए। आधे घंटे के बाद पानी से इस हेयर पैक को अच्छी तरह वॉश करके दोबारा आप शैम्पू करना चाहिए। इस प्रोसेस को इस तरह करके देखिए, बालों के ग्रोथ होगा, आपके बाल हेल्दी और सिल्की स्मूथी होंगे। क्योंकि इसके अंदर है दही, ये आपके बालों को नॉरिशिंग करता है, आपके बालों को सिल्की स्मूथी और शाइनी बना देता है। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पे बेल आइकन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं। तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक।